सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र की घटना है। दिनांक 21/12/2018, संदीप यादव नाम के काई लड़का जो 14 वर्ष की अवस्था है, वो एटीएम से पैसा निकालने गए थे। इंडिया बैंक एटीएम करके हैं, तो वहाँ पैसा निकालने गए थे। वहाँ दो लड़के दुर्गा प्रसाद यादव, सनाफ हरिनाथ यादव, ग्राम सरायपुर थाना पवई आजमगढ़, और दूसरा नरेंद्र यादव, सनाफ श्याम बहादुर यादव, इनका भी थाना पवई और आजमगढ़ यहाँ के रहने वाले दोनों लड़के, ये लोग वहाँ पर पहले से मौजूद थे। तो संदीप यादव, क्योंकि लड़का कम उम्र का था, उसने कहा कि मैं पैसा निकालना है, तो उसने अपना एटीएम इनको दिया और 5,000 रुपये निकालने की बात उसने कही। तो दोनों लड़कों के द्वारा 5,000 रुपये निकाले गए, और निकालने के बाद संदीप यादव को सिर्फ 500 रुपये दिया गया, और इन्होंने कहा कि 500 रुपये ही निकले हैं, और 4,500 रुपये वो स्वयं अपने पास रख लिए। लेकिन तुरंत लड़के के मोबाइल पे मैसेज आता है, और लड़का जब मोबाइल देखता है तो कहता है कि 5,000 रुपये निकाले गए। इस बात का वो पूछता है, पूछताछ करता है, और उसमें दोनों में बहस होती है। तो उसी बीच तत्काल वहाँ पर थाने से संबंधित अस्थाई मौजूद थे, वो आ जाते हैं, और दोनों की लड़ाई झगड़ा और आपसी बातचीत को देखते हुए वहाँ तत्काल पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है। तो और जब चेक किया जाता है तो उसकी जेब से 4,500 रुपये और बदला हुआ एटीएम, और इसके अलावा अन्य 4 एटीएम भी बरामद किए जाते हैं, और स्थानीय थाने द्वारा कार्रवाई की गई थाना सराय ख्वाजा द्वारा, और इनके खिलाफ धारा 400, 420, 379, 411 IPC कारण मुकदमा पंजीकृत हुआ, 365/18, और